हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इंदौर में मेट्रो ट्रेन के लिए पूरी तैयारियां जोरों शोर से चल रही है और उसी की आप लाइव ये रिपोर्ट देख सकते हैं इंदौर के सुपर कॉरिडोर रोड से। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर के एयरपोर्ट से लेकर इंदौर के विजयनगर की ओर सुपर कॉरिडोर रोड होते हुए जो है मेट्रो ट्रेन के लिए आप देख सकते हैं कि एलिवेटेड मार्ग बनाया जा रहा है और सुपर कॉरिडोर पर जो एलिवेटेड मार्ग 5 किलोमीटर का है दोस्तों, उसको सितंबर 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और साथ ही साथ फर्स्ट मेट्रो ट्रेन का ट्रायल सितंबर 2023 में इसी रेल रूट पर करने की बात कही गई है। तो उसी के बारे में पूरी अपडेट देना चाहूँगा। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों कि मैं सुपर कॉरिडोर पर TCS चौराहा जो है इंदौर सिटी में, वहाँ से मैं ये पूरी लाइव आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इंदौर मेट्रो के लिए एलिवेटेड मार्ग बनाकर तैयार कर दिया गया है और उस पर अब रेल पटरियाँ डालकर सितंबर में ट्रायल की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो ये देख सकते हैं कि पूरी तरीके से इंदौर के जो सुपर कॉरिडोर रोड है दोस्तों, उस पर मेट्रो रेल के लिए जो है पूरी तरीके से काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यह जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का पहला जो काम चल रहा है, यह 32 किलोमीटर का है जो कि एयरपोर्ट से सुपर कॉरिडोर होते हुए, विजयनगर होते हुए और पलासिया होते हुए, रेलवे स्टेशन होते हुए वापस एयरपोर्ट को जाएगी। तो उसी के तहत यह 32 किलोमीटर का मेट्रो रेल लाइन डाली जा रही है और उसके लिए एलिवेटेड मार्ग बनाया जा रहा है। और आपको यह भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो 32 किलोमीटर है वो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का, वो 7500 करोड़ में बनकर तैयार होगा, यानी 7500 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगा। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो 32 किलोमीटर में टोटल 29 रेल स्टेशन बनाए जाएंगे, मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, और जिसमें कि दोस्तों 24 किलोमीटर का जो मार्ग रहेगा वो एलिवेटेड रहेगा और जो लगभग 8 किलोमीटर का जो मार्ग रहेगा दोस्तों वो अंडरग्राउंड रहेगा। तो ये देख सकते हैं कि मेट्रो के ट्रेन के लिए स्टेशन बनाया जा रहा है TCS चौराहे के पास सुपर कॉरिडोर रोड के ऊपर। और यह जो रोड है इंदौर एयरपोर्ट को इंदौर के विजयनगर से जोड़ती है। ये देखिए किस तरीके से मेट्रो स्टेशन के लिए ये पिलर तैयार किए गए हैं और उस पर स्लैब वगैरह इस तरीके से सेट किया गया है, क्योंकि उसके ऊपर मेट्रो स्टेशन आएगा और यहीं पे मेट्रो रुकेगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, और जो ये बीच में आप देख सकते हैं कि बाउंड्री है, इसी बीच में मेट्रो का काम चल रहा है पिलर वगैरह बनाने का, और ये साइड से सुपर कॉरिडोर रोड है। ये देखिए दोस्तों, पूरी मैं जानकारी इस वीडियो में एकदम आपको दूंगा दोस्तों। लेकिन अगर आप वीडियो में नए हैं या चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा दोस्तों कि अब मेरा वीडियो कैसा लगा, इस तरीके की जो डेली अपडेट मैं लाता हूँ या कैसा लगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को और साथ ही साथ चैनल को, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इस तरीके का वीडियो लाता हूँ, तो इसलिए आप सपोर्ट करिए ताकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो आपके सामने लाता रहूं। तो ये आप सुपर कॉरिडोर का जो ब्रिज है वो देख पा रहे हैं और यहीं से जो इंदौर और आपके फतेहाबाद वाली रेल लाइन गई है, जो पहले मीटर गेज रेल लाइन थी उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो मेट्रो स्टेशन जो है सुपर कॉरिडोर पर, उसकी तैयारियां जो चल रही है, क्योंकि सुपर कॉरिडोर पे टोटल 6 मेट्रो स्टेशन आने वाले हैं जिसका नाम सुपर कॉरिडोर मेट्रो स्टेशन 1, मेट्रो स्टेशन 2 से लेकर मेट्रो स्टेशन 6 तक रहेगा। ये पूरी तैयारी आप देख पा रहे होंगे और यह जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह इंदौर के सुपर कॉरिडोर रोड जो है वो इंदौर के एयरपोर्ट से इंदौर के विजयनगर को जोड़ती है, उसकी देख रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां जो है मेट्रो का चल रहा है। और अगर हम अधिकारियों की माने तो सितंबर 2023 तक दोस्तों मेट्रो रेल लाइन का काम जो है वो सुपर कॉरिडोर पर 5 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का काम पूरा कर लिया जाएगा
और उस पर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल भी कर लिया जाएगा। यानी सितंबर 2023 तक अगर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल पूरा हो जाएगा तो इंदौर वासियों के लिए और साथ ही साथ मध्य प्रदेश वासियों के लिए ये एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि इंदौर जो है मेट्रो शहर बन जाएगा और यहाँ पर मेट्रो की सुविधा मिल जाएगी और साथ ही साथ इंदौर वासियों को पहली बार मेट्रो का लुत्फ उठाने का फिर मौका मिलेगा, क्योंकि सितंबर 2023 में मेट्रो जो है ट्रायल होगा और उसके बाद जो चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, इलेक्शन असेंबली इलेक्शन 2024 में, उसके पहले मेट्रो ट्रेन की सुविधा जो है देने की तैयारियां जो है चल रही है। इसी के तहत ये काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है, ये आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे किस तरीके से ये काम जो है चलाया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि जब इंदौर के एयरपोर्ट के पास से मेट्रो ट्रेन चालू होगी तो वो सुपर कॉरिडोर होते हुए, सुपर कॉरिडोर के 6 स्टेशन को क्रॉस करते हुए मेट्रो स्टेशन, वो इंदौर उज्जैन रोड को भंवर साला चौराहा जो है अरबिंदो हॉस्पिटल के पास उसको क्रॉस करते हुए MR10 जो मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है वहाँ से होते हुए विजयनगर मेट्रो स्टेशन से होते हुए यह जो है खजराना चौराहा मेट्रो स्टेशन से प्लासिया मेट्रो स्टेशन एंड देन ये दोस्तों हाईकोर्ट मेट्रो स्टेशन से होते हुए रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन राजबाड़ा मेट्रो स्टेशन से होते हुए वापस एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन को आएगी। और यह जो मेट्रो स्टेशन की आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, यह MR10 रोड के पास जो MR10 का ब्रिज है जहाँ से इंदौर उज्जैन रेल लाइन जो है इंदौर देवास लाइन पार हुई है ये यहाँ पर बनाई जा रही है। और साथ ही साथ ये सामने आप MR10 ब्रिज के पास मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य देख पा रहे होंगे। और यहीं पर जो इंटर स्टेट बस स्टैंड बनाया जा रहा है ये भी यहीं पर बनाया जा रहा है, इंदौर का सबसे बड़ा बस स्टैंड होने वाला है वो। तो ये सारी तैयारियाँ जो है आप पूरा देख सकते हैं कि कितनी ज़ोर शोर से चल रही है। ये देखिए दोस्तों, यह जो है आपको सुपर कॉरिडोर पर यश टेक्नोलॉजी जो आईटी कंपनी नई ओपन हुई है वहाँ का निर्माण कार्य दिखा रहा हूँ। और ये देखिए वहाँ पर किस तरीके से एलिवेटेड मार्ग इंदौर एयरपोर्ट की ओर से आई है और यहाँ पर यश टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी जो है उसके सामने ये मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। तो सुपर कॉरिडोर का ये आप पूरा देख सकते हैं दोस्तों कि सुपर कॉरिडोर पर क्या तैयारियाँ चल रही है। और यह जो तैयारियां हैं दोस्तों, यह यस टेक्नोलॉजी और TCS जो IT सेक्टर कंपनी है उसके बीच का है, ये आप देख सकते हैं पूरा। और ये देखिए किस तरीके से तैयारियां चल रही है दोस्तों, ये मेट्रो स्टेशन के लिए सब पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, यहीं पर वो मेट्रो स्टेशन आएगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो जो है आप इंदौर से देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आई एम फ्रॉम इंदौर या मैं इंदौर से हूँ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप इंदौर के लोकल हैं और इंदौर में रहते हैं और इंदौर से रिलेटेड ये जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं इंदौर से हूँ और मेरे को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी और इस तरीके की वीडियो और मैं चाहता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से तैयारियां चल रही है। और ये TCS चौराहा जो यस टेक्नोलॉजी के बाद TCS IT कंपनी खुली है, वो TCS चौराहे पे मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है। और ये सब जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, यह इंदौर के सुपर कॉरिडोर से हैं, यानी अपने नए रूप में इंदौर का सुपर कॉरिडोर जो है दिख रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि मेरा वीडियो कैसा लगा और ये अपडेट कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इंदौर से हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आई एम फ्रॉम इंदौर, और साथ ही साथ यह भी लिख दीजिएगा दोस्तों कि यह वीडियो और अपडेट मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।